स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। 10 मिनट के फैक्ट वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं तथ्यों का तांडव। आज जो टॉपिक हम लोग सबसे पहले उठाने वाले हैं वो है जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात को देखेंगे। यहां से बहुत बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कर्नाटक है, उसके ऊपर गोवा है, महाराष्ट्र है। तो सबसे पहले कर्नाटक के जितने भी जलप्रपात हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। कर्नाटक का पहला महत्वपूर्ण जलप्रपात है वो है कूचिकल जलप्रपात। कूचिकल जलप्रपात जो है ये बरही नदी पर स्थित है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में अगर पूछा जाए कहाँ है तो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर ऊंचाई है और भारत के स्रोतों द्वारा सबसे ऊंचा जलप्रपात यही माना जाता है। नोखालीकाई भी मेघालय में है जो सबसे ऊंचा है, लेकिन डेटा उसका उपलब्ध नहीं है, इसलिए कूचिकल को भारत का सर्वोच्च जो है जलप्रपात माना जाता है। हालांकि वर्ल्ड डेटा जब आप देखेंगे तो इसकी ऊंचाई मात्र 188 मीटर दी हुई है। दूसरा कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात। कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात है। पहला कूचिकल था बरही नदी पर, दूध सागर है। ध्यान रखना, दूध सागर कहां पे अगर पूछा जाए तो गोवा और कर्नाटक की सीमा रेखा पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, किस नदी पर है? मांडवी नदी, मांडवी नदी पर स्थित है। पहला कूचिकल बरही शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, दूसरा भी दूध सागर मांडवी डिस्ट्रिक्ट है, गोवा और कर्नाटक की सीमा रेखा पर स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत अभी नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। अगला है जोग जलप्रपात। जोग या इसको गरसोप्पा भी बोलते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, तो आप किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं। ये भी कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखना है। इसकी जो ऊंचाई है 253 मीटर है और दूध सागर की ऊंचाई जो है 310 मीटर के आसपास है, ध्यान रखिएगा। किस नदी पर है जोग? तो ये सरावती नदी पर है। सरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, जिसको जोग जलप्रपात कहते हैं या गरसोप्पा कहते हैं या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा, शिव समुद्रम है। शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात है कर्नाटक में। ये भी है, कहां पे है शिव समुद्रम? कर्नाटक पर है। कर्नाटक पर कहां पे है? तो कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। ये सारे कर्नाटक के हैं, कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है, नाम है शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम। अगला है, ऊपर लिख देंगे नीचे लिख दें, चलिए नीचे लिख देते हैं, बरकाना जलप्रपात। कौन सा है? बरकाना जलप्रपात। ये भी कहां पे है? कर्नाटक में है बरकाना जलप्रपात, ध्यान रखना है। कहां पर है, किस नदी पर है? कर्नाटक में है बरकाना और सीता नदी पर स्थित एक जलप्रपात है, यह भी कर्नाटक में है। कूचिकल, दूध सागर, जोग, शिव समुद्रम, बरकाना, ये सभी आप देख रहे हैं कहां पे है? कर्नाटक में। एक कर्नाटक में और है, वो भी लिख लीजिएगा, गोकाक जलप्रपात। कौन सा है? गोकाक जलप्रपात भी कर्नाटक में है। कहां, किस नदी पर है? तो घटप्रभा नदी पर है। घटप्रभा नदी कर्नाटक में स्थित है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे कूचिकल देख रहे हो, चाहे दूध सागर, कूचिकल, जोग जलप्रपात, शिव समुद्रम, बरकाना, गोकाक, ये सभी कर्नाटक में स्थित हैं। कर्नाटक में है, जैसे कूचिकल बरही पे है, दूध सागर मांडवी पे है, जोग है सरावती पे, शिव समुद्रम कावेरी पे, बरकाना सीता पे, गोकाक घटप्रभा नदी पर स्थित है। उसके बाद आगे आपको ले चलेंगे इसी में, देखिए ये आपको दिख रहा है उड़ीसा, ये उड़ीसा है। उड़ीसा के भी यहीं पे जल्दी से फटाफट हम लोग देखते रहते हैं प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा का जो पहला सबसे जलप्रपात और उड़ीसा का सबसे ऊंचा भी जलप्रपात यही है, उसका नाम है बरही पानी। बरही पानी जलप्रपात उड़ीसा का है, ध्यान रखना, 399 मीटर ऊंचा है, मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। नदी का नाम है बुधवलंग नदी। नदी का नाम क्या है? बुधवलंग नदी पर स्थित है, नाम है बरही पानी, जो मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और जलप्रपात बड़ा फेमस है उड़ीसा का, नाम है खड़ाधार जलप्रपात। क्या नाम है? खड़ाधार जलप्रपात। कहां पे है? उड़ीसा में। ये भी है उड़ीसा में है, कोई नदी पर नहीं है बल्कि कोरा नाला है, उसी के बूदों से बना है, मतलब उसकी धार से, कोरा नाला की धारों से, कोरा नाला की धारों से बनता है। हालांकि ये ध्यान रखिएगा, खड़ाधार जलप्रपात पूछा गया है कई बार, तो किस नदी पर है ये आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा पर, उड़ीसा में है, नदी पर नहीं बल्कि कोरा नाला पर स्थित है, उसकी मतलब धारा से बनता है ये। ठीक है, ऊपर से ये नाला गिरता है, उसकी वजह से खड़ाधार जलप्रपात उड़ीसा में बनता है। 244 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है।
ठीक है। अगला एक है उड़ीसा का, बड़ा फेमस है, डुडुमा जलप्रपात। कौन सा? डुडुमा जलप्रपात। डुडुमा जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण है, उड़ीसा में है। किस नदी पर है? तो मचकुंड नदी पर है। किस नदी पर है? मचकुंड नदी पर डुडुमा जलप्रपात है। इतना आप लोगों ने देख लिया, खड़ाधार, बरही पानी, डुडुमा उड़ीसा में है। खड़ाधार कोरा नाला पे है, बरही पानी बुधौलंग नदी पर है, डुडुमा मचकुंड में है। ये हो गए आपके यहां के। अब हम देख लेते हैं, ये आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा है, छत्तीसगढ़ के जलप्रपात भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे फेमस जो बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात है, हमेशा ध्यान रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात चित्रकूट में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में है। किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। 10 मिनट में बताना है इसलिए स्पीड बढ़ानी पड़ जाती है। ऐसे एक और जलप्रपात है, बड़ा फेमस है, अमृतधारा जलप्रपात। कौन सा? अमृतधारा जलप्रपात। ये भी कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है। जैसे चित्रकूट इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है, वैसे अमृतधारा जो जलप्रपात है ये हसदेव नदी, हसदेव बांगो नदी है, हसदेव नदी पर स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में चित्रकूट अमृतधारा दो जलप्रपात है। चित्रकूट इंद्रावती पे है, अमृतधारा हसदेव पे है। खड़ाधार, बरही पानी, डुडुमा उड़ीसा में है। कुचिकल, दूधसागर, जोग, शिव समुद्रम, बरकाना, गोकाक, ये सभी कर्नाटक में स्थित जलप्रपात हैं। चलिए आगे भी, आगे जलप्रपात तो बहुत सारे हैं ना, देखना होगा एक एक करके। ये आपको केरल दिख रहा है, केरल का एक बहुत ही फेमस है जो पूछा जाता है, सोचीपारा जलप्रपात। सोचीपारा जलप्रपात ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वायनाड डिस्ट्रिक्ट जहां पे है वहीं पर स्थित है वायनाड डिस्ट्रिक्ट, केरल में, केरल में। और ये नदी, इसका नाम है चलियार नदी। किस नदी पर है? तो चलियार नदी पर स्थित जलप्रपात है, नाम है सोचीपारा। और वेरी इंपॉर्टेंट है, आरोप की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा देखिएगा, अब हम पहुंचते हैं थोड़ा सा राजस्थान की तरफ। राजस्थान में एक जलप्रपात है, उसका नाम है चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये ज्यादा ऊंचाई नहीं है, 18 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, ठीक है, इतना ही है। उसके बाद एक है पुनासा जलप्रपात। पुनासा जलप्रपात ये भी चंबल नदी पर स्थित है, पुनासा जलप्रपात भी, और राजस्थान का जलप्रपात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई भी बहुत कम है, लगभग 12 मीटर के आसपास जो है इसकी ऊंचाई है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये झारखंड दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, खाली छोड़ना, झारखंड में भी जलप्रपात है, वो लिख लिया जाए। एक है गौतम धारा जलप्रपात। गौतम धारा जलप्रपात क्या नाम है? गौतम धारा जलप्रपात है। इसी को एक नाम से और जानते हैं, जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा, जोन्हा जलप्रपात, जलप्रपात, ठीक। ये किस नदी पर है पूछा जाए, गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस नदी पे है? तो झारखंड में है, ध्यान रखिएगा। नदी का नाम है राढ़ू नदी। क्या नाम है? राढ़ू नदी पर स्थित है। राढ़ू नदी पर स्थित है, झारखंड में है। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात इसको बोलते हैं। ऐसे एक और जलप्रपात है झारखंड में, उसका नाम है हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात है, और बड़ी फेमस यहां की झारखंड की नदी है। नदी का नाम है स्वर्णरेखा या स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा या स्वर्णरेखा दोनों एक ही नाम है, ठीक है, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। हुंडरू जलप्रपात बरहाल झारखंड का प्रमुख जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, मध्य प्रदेश तो इतना बड़ा है, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात को हम लिख लेते हैं, यहीं पे टाइम नहीं लगाते हैं। मध्य प्रदेश का पहला जो जलप्रपात है वो है धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। कहाँ का जलप्रपात है? मध्य प्रदेश का प्रमुख जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा। कहाँ का? मध्य प्रदेश का धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है। एक और लिख लीजिए, कपिल धारा जलप्रपात, यह भी मध्य प्रदेश का है। कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? मध्य प्रदेश में है, सही है। किस नदी पर है? यह भी नर्मदा नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। किस पे? नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी कपिल धारा है, ठीक। एक है मध्य प्रदेश में चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात, जलप्रपात लिख लीजिएगा, ठीक है। चचाई जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, बीहड़ नदी पर स्थित जलप्रपात है। किस नदी पर है?
बीहड़ नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। किस नदी पर? बीहड़ नदी पर। ठीक है, एक और जलप्रपात है मध्य प्रदेश का, बड़ा फेमस है, लेकिन अभी जाने दीजिए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे लिख लीजिए, भूल गए हैं आपको बताना, झारखंड में एक और जलप्रपात बड़ा फेमस है, लिख लीजिएगा, उसका नाम है लोढ़ जलप्रपात। क्या नाम है? लोढ़ जलप्रपात। कौन सा? लोढ़ जलप्रपात। लोढ़ जलप्रपात कहाँ पे है? बुद्ध नदी पर स्थित है, झारखंड में। क्या नाम है? बुद्ध नदी पर स्थित है, कहाँ पे? झारखंड में। ठीक, अब आगे ले चलें आपको, चलिए थोड़ा सा आगे। इसका पीडीएफ आपको हम देंगे जरूर, आज से पीडीएफ डाला करेंगे, क्योंकि पीडीएफ आप लोगों के लिए जरूरी है। आपको यहां पे मेघालय दिख रहा है, मेघालय की खासी जयंतियां हैं, खासी जो पहाड़ियां हैं उसमें कुछ हैं, जैसे एक है लिंग कसियार करके, लिंग कसियार जलप्रपात, लिंग कसियार। ये ज्यादातर आपसे नदी ना पूछ के सीधे पूछेगा कहां स्थित है, तो आप बताएंगे मेघालय में है, लिंग कसियार खासी पहाड़ियों में है जलप्रपात। लिंग कसियार जलप्रपात मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित है, पूर्वी खासी जो पहाड़ियां हैं वहां स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो जलप्रपात है नोह काली खाई। क्या नाम है? ध्यान से देखिएगा, नोह काली, देखिए नोह लिखा, फिर काली लिखा, फिर खाई लिखा। ये जलप्रपात, इसी जलप्रपात को हम कह रहे थे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात होना चाहिए, लेकिन डेटा की कमी के कारण इसको अभी तक घोषित नहीं किया गया है। ये कहां पे है? चेरापूंजी में है। चेरापूंजी सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान है मेघालय में, वहां पर स्थित है। ठीक है, चेरापूंजी मेघालय में स्थित है, ये नदी पे नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, किसी सोर्स से इसमें से जल गिरता है। ठीक है, चलिए एक और लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है थलैयार जलप्रपात। तमिलनाडु आप देख रहे हैं, तमिलनाडु में कौन सा है? थलैयार जलप्रपात। आपको लग रहा होगा कि पहले झील दे दिया फिर जलप्रपात दे दिया, क्या भारत के बारे में नहीं बताएंगे? बताएंगे, फैक्ट के साथ बताएंगे, राजधानी भी बताएंगे, एकदम शुरुआत से आपको सब कुछ कराएंगे, परेशान मत होइएगा। थलैयार जो जलप्रपात है ये मंझलार नदी पर स्थित है, मंझलार, सॉरी गलत लिख रहा है, कौन सी नदी है? मंझलार, मंझलार नदी पर स्थित है। कहां पे? तमिलनाडु में। ठीक है, तो थलैयार जलप्रपात हो गया मंझलार नदी पे, इतना ही जलप्रपात आपको याद करना है और यहीं से प्रश्न आ जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि 10 मिनट हो भी गया होगा। चलिए देखते हैं, धन्यवाद, बाय बाय।